नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने ली शपथ। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। मोदी से वोट मांगेगी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्केट अलवा। विपक्ष ने जिताने के लिए बनाई खास रणनीति, कमान सोनिया गांधी ने संभाली। महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में तेजी, शिंदे फडणवीस सरकार बनने के बाद रास्ते हुए साफ। आदिवासियों को सता रही हटाए जाने की चिंता। एलएसी पर भारत को उकसा रहा चीन। पूर्वी लद्दाख में चीन के फाइटर जेट भर रहे उड़ान। इंडियन एयरफोर्स बनाई है पैनी नजर। कांग्रेस का दावा, ईरानी का घर बार से 10 किलोमीटर दूर। पति जुबिन के नाम पर है बंगला। स्मृति ने जयराम पवन को लीगल नोटिस भेजा। आरएसएस सरकार वाहक बोले, बढ़ती महंगाई चिंताजनक। लोग चाहते हैं खाना कपड़ा और मकान सस्ते हों, लेकिन इसका भार किसानों पर ना आए। राष्ट्रपति भवन पहुंची नव निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्तमान राष्ट्रपति कोविंद और उनकी पत्नी ने गुलदस्ता देकर किया स्वागत। मध्य प्रदेश में अंतिम यात्रा में पहुंचे भाजपा विधायक की फिसली जुबान। शोक जताने की जगह लोगों को दे दी बधाई। शिक्षक घोटाले में ममता के मंत्री की एक और करीबी बीजेपी बोली, मोनालिसा दास के पास 10 फ्लैट, जांच हो ईडी करेगी पूछताछ। देश में पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश। भोपाल में भदभदा जाम के सभी 11 गेट खुले। मेहसाणा सौराष्ट्र में रेड अलर्ट। उपराष्ट्रपति ने स्कूलों कॉलेजों में सामुदायिक सेवा को अनिवार्य करने का दिया सुझाव। कहा, युवाओं में देखभाल की भावना पैदा होगी। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक में पीएम मोदी ने जताई कई मंत्र दिए। कहा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर करें फोकस। कोलकाता के अस्पताल से ओडिशा के एम्स ले जाए जा रहे हैं पार्थ चटर्जी। ईडी कर रही है जांच। गुजरात में युवक को पेड़ से लटकाकर पीटा, छात्रा से की थी दुष्कर्म की कोशिश। विरोध करने पर पीड़िता को चाकू मारा था। पीओके पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जब बाबा अमरनाथ हमारे तो शारदा जी का धाम एलओसी के उस पार कैसे रह सकता है। बेटे ने पिता की गर्दन रेत कर की नृशंस हत्या। बचाने दौड़ी मां और नाना पर भी साबड़ और चाकू से किया जानलेवा हमला, दोनों गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरनगर में लावारिस लाशों की मसीहा चालू। सैनी समाज सेवी ने रविवार को एक और लावारिस लाश का किया अंतिम संस्कार। उन्नाव के चार मोहल्लों में अभी नहीं मिलेगा शुद्ध पानी। आदर्श नगर पंप हाउस की मोटर खराब, 10 दिन से पानी को तरस रहे 10,000 लोग। फिरोजाबाद में 15 अगस्त को 3.90 लाख झंडा फहराया जाएगा। 210 स्वयं सहायता समूहों को तिरंगा बनाने की जिम्मेदारी दी। पूर्व विधायक विजय मिश्रा का बेटा गिरफ्तार। 1 लाख के इनामी विष्णु मिश्रा को एसटीएफ ने पुणे में दबोचा।
बम बम के जयकारों से गूंजा बाराबंकी का लोधेश्वर महादेव मंदिर। सावन का दूसरा सोमवार, जलाभिषेक को उमड़े शिव भक्तों का हुजूम। देवरिया में बीमारी से तंग आकर बुजुर्ग ने लगाई फांसी। 3 वर्ष पूर्व ट्रेन से कटकर पति ने की थी आत्महत्या। आंधी बारिश ने उड़ाई शहर की बिजली। अधिकांश मोहल्लों में पूरी रात नहीं रही बिजली। तेज बारिश से सैकड़ों घरों में घुसा पानी। कावड़ियों से भरी पिकअप गाड़ी और एम्बुलेंस में टक्कर। हादसे में कावड़िया हुआ घायल, 2 की हालत गंभीर। भड़काऊ पोस्ट करने पर 5 पर मुकदमा दर्ज। देवबंद की 5 साल पुरानी वीडियो को किया था वायरल। पुलिस के खंडन के बाद भी नहीं हटाई पोस्ट। वोटर कार्ड को आधार से किया जाएगा लिंक। अंबेडकर नगर में 18 लाख मतदाता हैं। 1 अगस्त से चलेगा अभियान। जनप्रतिनिधियों के साथ हर घर तिरंगा की रूपरेखा तैयार। डीएम के साथ हुई मीटिंग में मौजूद रहे मंत्री, सांसद और सभी विधायक। वन महोत्सव अभियान को स्वास्थ्य विभाग दे रहा है दगा। सीएचसी सेंटर पर भेजे गए पौधे, रखे गए सूख, कागजों में हो गया पौधारोपण। बदायूं में साप्ताहिक बाजार में बिक रही शराब, 3 गिरफ्तार। पैट में व्यापारी बनकर पहुंचे थे तस्कर। घरेलू सामान की आड़ में बेच रहे थे जहरीली शराब। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, गोली लगने से 10,000 का इनामी बदमाश घायल। 18 से अधिक मामले दर्ज। झांसी में युवक ने फांसी लगाकर किया आत्महत्या। काफी समय से बीमार चल रहा था, पुलिस ने शुरू की जांच। रात 2:30 बजे तक शिव चौक पर डटे रहे एसएसपी। मुजफ्फरनगर में श्रावण माह के दूसरे सोमवार पर सुरक्षा के प्रति चौकन्नी पुलिस। शिवालयों में लगी भीड़। दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। पेट्रोल पंप पर नशे में धुत युवकों ने की अभद्रता। विरोध करने पर बरसाई घूंसे। फिरोजाबाद में मुठभेड़ के बाद 15,000 का इनामी गिरफ्तार। पुलिस ने पैर में माली गोली, दबोचा, सुनार के साथ की थी लूट। ग्रेटर नोएडा में बारिश में किया गया अंतिम संस्कार। शमशान घाट में 3 शेड ना होने से डीजल डालकर किया गया अंतिम संस्कार। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा, द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से लोकतंत्र और होगा मजबूत। अयोध्या आने का दिया निमंत्रण। मिर्जापुर आरपीएफ ने मौलवी को हिरासत में लिया। 8 बच्चों को बिहार से कर्नाटक ले जा रहा था, परिजनों को दी गई सूचना। एटा में अवर अभियंता निलंबित, कार्य की शिथिलता पर हुई कार्रवाई। पोल में उतरे करंट की चपेट में आ गया था कावड़िया। वैश्य महासम्मेलन वृंदावन में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का हुआ समापन। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी हुए शामिल। मरे हुए युवक को जिंदा करने के लिए किया गया तंत्र मंत्र। शव अस्पताल से घर लेकर गए परिजन। तांत्रिक बोले, जिस सांप ने काटा उसी से जहर खिंचवाएंगे। बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर खड़ी डबल डेकर बस को दूसरी बस ने मारी टक्कर, 8 यात्रियों की मौत।
10,000 की आबादी में एक डिस्पेंसरी, वो भी बंद। आगरा में स्मार्ट सिटी के नाम पर तोड़ी 50 वर्ष पुरानी बिल्डिंग, दोबारा बनाने को नहीं मिली एनओसी। पुलिस टीम पर फायर कर भाग रहे बदमाशों से मुठभेड़, 25,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर गोली लगने से घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार साथी फरार। सुल्तानपुर में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने लड़के को पूछा नहीं मिलने पर पिता को मार दी गोली। घंटाघर के पास जर्जर बिल्डिंग गिरने से दिव्यांग की मौत, 2 घंटे रेस्क्यू करके मलबे में दबे दिव्यांग को निकाला बाहर, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। कांवड़ियों की सुरक्षा के विशेष इंतजाम, हर की पौड़ी और घाटों पर तैनात किए स्पेशल कमांडो। ताकावर ने ध्वस्त किया ट्रैफिक प्लान, दिल्ली देहरादून हाईवे पर लगा 6 किलोमीटर लंबा जाम। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, प्रदेश को मिलेंगे 135 करोड़, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए तय किया जाएगा मानदेय। उत्तराखंड में गैरसैंण को जल्द मिलेगा उपजिला चिकित्सालय, नए भवन निर्माण के लिए शासन ने किए 3.6 करोड़ स्वीकृत। बेटी हो तो ऐसी, श्रवण बनकर पूरी की मां की इच्छा, 80 किलोमीटर दूर साइकिल पर बैठा कर पहुंची नीलकंठ। उत्तराखंड में भूस्खलन से उत्तराखंड में 135 मार्ग बंद, लंबगांव उत्तरकाशी सड़क का 20 मीटर हिस्सा ध्वस्त। कांवड़ियों का सैलाब, उमड़ते ही जाम हुआ हरिद्वार, डीएम ने बाइक से किया निरीक्षण। उत्तराखंड के ऋषिकेश में कहा सुनी के बाद कांवड़ियों के 2 दल भिड़े एक दूसरे पर भाजी लाठियां। सौदा, कंप्यूटर प्रोग्रामर ने लीक किए थे 100 में से 80 सवाल। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष बोले युवा नेताओं के कंधे पर कांग्रेस को संवारने की जिम्मेदारी, आना होगा आगे। उत्तराखंड में बिजली के दाम फिर बढ़ेंगे, बिलों पर ऊर्जा निगम सरचार्ज लगाने की तैयारी में जुटा। उत्तराखंड के 2 जिलों में भारी वर्षा के आसार, गंगोत्री हाईवे सुचारू कांवड़ यात्रा के वाहन फंसे। उत्तराखंड से कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेज, सोशल डिस्टेंसिंग मास्क को भूले, देहरादून जिला बना हॉटस्पॉट। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्या के आदेश से उपजा नया विवाद, कांवड़ यात्रा संपन्न, समापन के दिन जलाभिषेक कर सेल्फी ले अधिकारी। सावन का दूसरा सोमवार, हरिद्वार में कांवड़ियों की बंपर भीड़, शिवालयों में हो रहा जलाभिषेक। हैती प्रवासियों को ले जा रही नाव समुद्र में डूबी, 17 की मौत, सुरक्षा बलों ने 25 को बचाया, मानव तस्करी की आशंका। मस्क बोले गूगल को फाउंडर की पत्नी से अफेयर नहीं, ट्वीट किया सरगेई, और मैं दोस्त उनकी पत्नी के साथ कुछ भी रोमांटिक नहीं।
ड्रैगन के फूलों पर ऋषि सुनक की खरी खरी। कनाडा पहुंचे पोप, मूल निवासियों के बच्चों पर अत्याचारों का मांगेंगे माफी, हजारों बच्चों की हुई थी मौत। श्रीलंका की बड़ी आबादी खा रही कम खाना, खाद्य मुद्रास्फीति 80% से अधिक, लाखों लोग भूख से बेहाल। कैलिफोर्निया के जंगल में भीषण आग, 12,000 एकड़ जंगल खाक, 6,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने का आदेश। रियल लाइफ हीरो ने बचाई बच्चे की जान, चीन में 5वीं मंजिल से गिरा मासूम, नीचे खड़े शख्स ने किया कैच, कैमरे में हुई घटना कैद। ग्रेन एक्सपोर्ट डील के 12 घंटे बाद ही ओडेसा बंदरगाह पर दागी मिसाइल, जेलेंस्की बोले पुतिन पर भरोसा नहीं कर सकते। बोला के परिवार से निकला खतरनाक मारबर्ग वायरस, 88% तक मृत्यु दर, कोई इलाज नहीं इसलिए इसे तुरंत रोकना होगा। जापान के सकुराजिमा ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट, 5वें स्तर का अलर्ट जारी। अगस्त बैंक हॉलिडे लिस्ट जारी, बैंक में 18 दिन नहीं होगा कामकाज, 13 से 15 अगस्त तक लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक। आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन नहीं बढ़ेगी, रेवेन्यू सेक्रेटरी बोले 31 जुलाई की आखिरी तारीख बढ़ाने पर विचार नहीं। एयरटेल के प्रमुख सुनील मित्तल का वेतन बीते वित्त वर्ष में 5% घटकर 15.39 करोड़ रुपए। पॉलिसी बाजार का आईटी सिस्टम हुआ है, कंपनी ने ग्राहकों से कहा आप लोगों का डाटा सुरक्षित। कर चोरी रोकने को खाद्य उत्पादों पर लगी जीएसटी, सरकार बोली कुछ राज्यों ने की थी इसकी मांग। इंफोसिस का मुनाफा पहली तिमाही में 3.2% बढ़ा, कंपनी के रेवेन्यू में भी इजाफा। मिलियन शिबा इनू टोकन फिर बर्न, अब तक अरबों की संख्या में शिबा इनू पॉइंट्स को बर्न किया जा चुका है। इंडियन करेंसी में अभी और आएगी गिरावट, 82 के स्तर तक फिसल सकता है रुपया। पहली बार 50 रुपए के नीचे लुढ़का जोमैटो, शेयर में आई 14% की गिरावट। अमेरिका के बिटकॉइन माइनिंग हब टेक्सास में माइनर्स लौटे वापस, बिटकॉइन की माइनिंग करने वाली बहुत सी फर्मों ने अपना कामकाज रोका। वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम पर रहा दिन, 100 मीटर हर्डल में टोबी ने 2 घंटे के अंदर दूसरी बार तोड़ा, फिर मोजो ने पोल वॉल्ट में बनाया नया रिकॉर्ड। कुणाल पांड्या बने पिता, बेटे का नाम रखा कबीर, केएल राहुल और हार्दिक की पत्नी नताशा ने दी बधाई। अक्षर पटेल ने एमएस धोनी स्टाइल में किया मैच को खत्म, भारतीय प्लेयर्स में खुशी का ठिकाना नहीं।
दीपक हुड्डा की गेंद पर चकमा खा गए काइल मेयर्स, स्पेल की पहली ही गेंद पर दिया झटका। वनडे सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, कप्तान के साथ खिलाड़ियों ने की मस्ती। भारत ने वेस्ट इंडीज को 2 विकेट से हराया, 2-0 से सीरीज जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड किया अपने नाम। अक्षर ने खेली 64 रन की धमाकेदार पारी। श्रेयस अय्यर ने नाकाम किया पवेल का प्रहार, बल्लेबाज को आंखों पर नहीं हुआ भरोसा। भारतीय टीम पर भारी पड़ी कप्तान धवन की गलती, भरना पड़ा जुर्माना। शाई होप ने दूसरे वनडे में ठोका शतक, शिखर धवन, डेविड वार्नर, क्रिस गेल की सूची में हुए शामिल। विराट कोहली ने बताया अपना अगला लक्ष्य, कहा टीम इंडिया की जीत के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। गोविंदा का 6 साल पुराना इंटरव्यू वायरल, करण जौहर को बताया था डेविड धवन से भी ज्यादा खतरनाक, लगाए थे गंभीर आरोप। विक्की कैटरीना को मिली जान से मारने की धमकी, एक्टर ने पुलिस में शिकायत कराई दर्ज, कहा कई दिनों से परेशान किया जा रहा था। गॉडफादर के गैंगस्टर की मौत की वजह आई सामने, मायोकार्डियल इंफेक्शन के कारण हुई थी 82 साल के जेम्स कान की मौत। तानाजी फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत बोले, गर्व से कहना चाहूंगा कि तानाजी अब अनसंग नहीं रहे, उनके बारे में अब हर कोई जानता है। ब्लैक पैंथर 2 ट्रेलर आउट, रिलीज हुआ ब्लैक पैंथर 2 का धमाकेदार ट्रेलर, एक्शन से भरपूर है फिल्म। सोनू सूद फिर बने मसीहा, रोते बिलखते सोनू के पास मदद मांगने आए सैकड़ों जरूरतमंद लोग, फैंस ने कहा ये हीरो नहीं भगवान है। दिल बेचारा की रिलीज के हुए 2 साल, संजना सांघी ने शेयर किया वीडियो, सुशांत सिंह राजपूत को याद कर इमोशनल हुए फैंस। स्ट्रगल के दौरान सुसाइड के बारे में सोचते थे मिथुन, बोले ऐसा लगता था कि सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अक्षय कुमार को भेजा सम्मान पत्र, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं एक्टर। बॉलीवुड स्टार सनी देओल की सफाई, अमेरिका में मेरा इलाज हो रहा है इसलिए राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं दे सका। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी, अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी, एमएक्स प्लेयर के साथ साथ कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल।